दिव्या गढ़वाली गानों पे डांस करना है आपने? नहीं। क्यों? आज मन नहीं कर रहा। वेल्डिंग वाला डोसा बना रहा है भाई, वेल्डिंग वाला। इसके बाद वेल्डिंग करके जोड़ेगा दोनों डोसा का, इसलिए चश्मा पहना हुआ है भाई ने। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल में। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आज है मेहंदी रात, तो मेहंदी के लिए हम हो चुके हैं तैयार। मैं दिखाता हूँ आपको हमारे आउटफिट्स। दिव्या का आउटफिट आज ये वाला है, पाकिस्तानी सूट पहना है इसने। हिंदुस्तानी सूट की कमी हो गई थी इसके पास, तो इसने पाकिस्तानी लिया आज के फंक्शन के लिए। ये देखो गाइस, ये हमारा आज का मेहंदी लुक। तो मेरी शर्ट है ब्लू और वाइट, प्लस नीचे ब्लैक पैंट और वाइट शूज़ नीचे। तो ये दिव्या ने डिसाइड करा था, और दिव्या देख सकते हैं ग्रीन कुर्ती और नीचे वाइट पैंट्स, तो ऐसे लग रहे हैं हम। तो जैसा कि यहाँ आ रहे हैं हम दोस्त की मेहंदी में और पूरा इंजॉय करने वाले हैं। करण दूसरे रूम में, वो तैयार हो रहा है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा और फिर हम निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और उसने बोला था कि 7:30-8 बजे तक पहुँच जाना। बस 10-15 मिनट में हम निकल रहे हैं यहाँ से और 10-15 मिनट हमें वहाँ पहुँचने में लगेंगे। उसके बाद हम करेंगे वहाँ मस्ती डांस। आज करेंगे पहाड़ी मेहंदी में डांस मज़ेदार वाला। आप लोग बने रहे हमारे साथ और एंजॉय करें आज के व्लॉग को पूरा एंड तक। और गाइज ये देखो दिव्या के बाल पीछे से, ये देखो इस लड़की ने मेहनत करी है इसके लिए। कितनी देर से लगी पड़ी है तू कर्ल करने में? एक घंटे से कर्लिंग करने में लगी हुई थी अपने बालों को। पूरा एक घंटा लगने के बाद इसके ऐसे बाल हुए हैं। मेरे को देखो 5 मिनट में तैयार। पंजाबी मुंडा, और ये देखो पंजाबी मुंडा तैयार हो चुका है। कुर्ता ते पजामा पहना सी। और पाजी गढ़वाली मेहंदी पहले भी अटेंड की सी या पहली बार अटेंड की? नाम नहीं समझ आ रहे। न्यूतेर सी की मेहंदी सी है ये? इतना कंफ्यूज हो गया है ना कि न्यूतेर है, मेहंदी है या कॉकटेल है, ये क्या है ये? कंफ्यूज नहीं क्यों हो जो भाई, बंदे ने लिखा सुबह 7 बजे का न्यूतेर और हम जा रहे शाम रात के 8 बजे। तो गाइज आप देख सकते हैं हम लोग तैयार है और बस निकल रहे हैं अब जहाँ पर पूरा प्रोग्राम रखा गया है मेहंदी का, और कॉल भी आ गया है दूल्हे राजा का। तो बस मिलते हैं आप लोगों को वहीं पहुँच के। तो गाइज एक बार फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में और आज है मेहंदी। टेंट पीछे लगा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ चमक रहे हैं शादी वाले घर। और ये देखिए यहाँ दूल्हा तैयार हो चुका है। ये देखो दूल्हा, हाँ सवाल दूल्हे का कुर्ता, बहुत बढ़िया कुर्ता लग रहा है। ग्लो देखो, लगातार एक हफ्ते से फेशियल करवा रहे हैं। तो गाइज यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये पूरा टेंट लगा हुआ है और अंदर अभी लोग तो नहीं आए हैं। हम लोगों से शुरुआत करें और डीजे पे गाना चल गया। दिव्या यहाँ डांस करने के लिए तैयार। तो दिव्या गढ़वाली गानों पे डांस करना है आपने? नहीं। क्यों? आज मन नहीं कर रहा। तो दिव्या अभी तो कह रही है कि मन नहीं कर रहा, देखते हैं थोड़ी देर बाद इसका मन करता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं मलाई चाप के स्टॉल में, देख सकते हैं हम सब की फेवरेट मलाई चाप। और पहले राहुल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी मलाई चाप। पहले मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन दिव्या ने आदत डलवा दी मलाई चाप की, तो इसलिए अब मैं मलाई चाप खाने लग गया हूँ। तो भैया पनीर टिक्का भी लगा रहे हैं, गर्मा गर्म। और यहाँ जैसे हम लोग हैं डाइट कॉन्शियस, उनके लिए अलग से इंतजाम किया गया है। ये देखो काजू रोस्टेड बादाम, ज्यादा कुछ नहीं, बस काजू बादाम को घी में फ्राई करें, बस घी में फ्राई करें, अदरवाइज सारी हेल्दी चीजें हैं। अब वहाँ देख सकते हैं डोसा लगा हुआ है। पहले हमने थोड़ा हेल्दी खाया लाइक चाप, फिर हमने थोड़ा अनहेल्दी खाया, अब हम वापस हेल्दी खाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और वहाँ भीड़ देख सकते हो आप, भीड़ देख के समझ गए होंगे आप ये मलाई चाप और तंदूरी पनीर है। और यहाँ देखो धीरे धीरे लोग आ चुके हैं, पूरा पंडाल भर चुका है। कैसा लगा ये हेल्दी डाइट? बढ़िया हेल्दी डाइट ले लिया इसने, काजू बादाम फ्राइड। ये देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको चीज़ दिख रही होगी, ये है मुरादाबादी दाल, और ज़्यादातर शादियों में ये देखने को मिलती नहीं है। और इसके ऊपर अच्छे से ये मसाले डाले जाएंगे, चटनी डाली जाएगी, मक्खन डाला जाएगा, और उसके बाद तड़का लगा के खाते हैं इसको। तो ये भैया मुरादाबादी दाल बनाते हुए, तो हम भी खाते हैं पत्ता और फिर बताते हैं कैसा है टेस्ट। तो दिव्या तूने टेस्ट करी अभी मूंग की दाल, कैसी लगी? बहुत टेस्टी हो रही थी मुरादाबादी दाल, मजा आ गया खा के। ऐसी बनानी नहीं आती ना तुम्हें, ऐसी बनाओ तो हम तो खाएंगे।
और ये भाई को देखो पहले, डोसा तो बाद में देखना, भाई को देखो जो बना रहा है, वेल्डिंग वाला डोसा बना रहा है भाई, वेल्डिंग वाला। इसके बाद वेल्डिंग करके जोड़ेगा दोनों डोसा को, इसलिए चश्मा पहना हुआ भाई ने। और ये हम लेके आ गए हैं डोसा, जो कि दिखने में काफी अमेजिंग लग रहा है। अब खाते हैं इसे, फिर बताते हैं कैसा है। तो गाइस हमने खाना तो सब खा लिया, मतलब मेन कोर्स ने खाया, स्नैक्स सारे खा लिए, काफी मजा आया खाने में। आप सोच रहे हैं थोड़ा सा डांस करके उसको डाइजेस्ट करा जाए और उसके बाद फिर से खाएंगे हम खाना। और ये अनुराग सारी इन्फॉर्मेशन अपनी बीवी को देता हुआ वहाँ पहुँचा रहे हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। और यहाँ माहौल गर्म होते हुए
तो गाइस हम लोगों ने बहुत डांस कर लिया, खाना भी खा लिया, सो चलते हैं अभी, सब चले गए, खाली हो गया पूरा टेंट, हम ही रह गए, तो हम भी जाते हैं, मिलेंगे आपको होटल पहुंच के। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रूम पर वापस और बहुत थक गए हैं। थके इस वजह से नहीं कि ज़्यादा डांस कर लिया, थके इस वजह से क्योंकि आज पूरा दिन सुबह से लेके और अभी तक पहले दिल्ली से उत्तराखंड तक ट्रैवल, उसके बाद मेहंदी के लिए तैयार होना, वहाँ पर खाना पीना, थक गए मतलब आज। तो अब सोते हैं थोड़ा सा। कैसी रही मेहंदी, कैसी लगी मेहंदी? बढ़िया मेहंदी, हाँ अरे मेहंदी कल हो गई थी, ये तो पता ही नहीं, मेहंदी कल हो गई थी, आज कॉकटेल पार्टी थी, जिन्होंने पीनी थी उन्होंने पी ली मस्त। हम खाना खा के और डांस करके वापस आ गए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।